हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना। और सब कैसे आप? तो ये देख सकते हैं आप, मधुकामनी का प्लांट है। और मधुकामनी ऐसे ही बहुत खूबसूरत सा लगता है और हमेशा मेरा ये प्लांट फूलों से भरा रहता है। और दोस्तों, इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है मधुकामनी में। और ये प्लांट एकदम बुसी हो जाता है। तो ये भी देख सकते हैं आप, फूल कितने भर भर के आए हैं इसमें। और दोस्तों, ये फूल देने के बाद कुछ टाइम रेस्ट करता है, फिर उसके बाद इसी तरह ये फूलों से भर जाता है। तो दोस्तों, मैंने इसमें क्या डालती हूँ कि ये इतना अच्छे फूल देते हैं, तो गर्मियों में इसकी देखभाल कैसे करना चाहिए। दोस्तों, इसको हमें थोड़ा 1-2 घंटे की धूप में रखना है, और शेड में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ बहुत अच्छे से हरी रहेंगी। और यहाँ पे मेरा धूप में रखा हुआ है, इसलिए देखिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी ग्रीन से डल हो रही हैं। तो इसको हम जितना अच्छा छाया में रखेंगे उतना अच्छा चलेगा। दोस्तों, मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि मैंने इसको छाया में रखा तो बहुत अच्छा रहता है, और यहाँ धूप में पड़ा है तो देखिए किस तरह से इसकी पत्तियाँ हो गई हैं। और दोस्तों, हमें क्या करना है इसके लिए, खाद हमें क्या देनी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 दोस्तों लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, हमें खाद में क्या देना है, और आप जो सब्जियों के छिलकों की खाद इसको देंगे दोस्तों तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और अगर आप ऑर्गेनिक उसको वर्मी कंपोस्ट की खाद देंगे तो उससे भी बहुत अच्छे से चलेगा। आपके पास जो खाद हो आप बोल दीजिए इसको। बस आप इसको अभी कोई भी जैसे कि DAP वगैरह ये खाद मत दीजिए, यही ठंडी खाद दीजिए इसको, तो ये उससे ही बहुत अच्छे से चलता है दोस्तों। और नेक्स्ट हमें क्या करना है दोस्तों, इसको पानी रोज़ ही देना है, पानी बिल्कुल कमी नहीं रखना है इसको। और अभी तो वैसे भी मई में बहुत तेज़ धूप गर्मी पड़ती है, तो हमारे प्लांट्स को पानी की नीड तो दोनों टाइम ही रहती है। तो आप पानी इसको अच्छे से दीजिए। और दोस्तों, इसकी मिट्टी को मल्चिंग करके रखिए। देखिए, मैंने इसमें टर्टल बाइन लगा रखा है, और गिलहरियाँ तो वैसे ले जाती हैं तोड़ तोड़ के, गिलहरियाँ चिड़ियाँ, तो बस फिर भी लेकिन टर्टल बाइन इतना है कि वो मिट्टी ढके हुई है। और मिट्टी ढकने से क्या होता है दोस्तों, ठंडक बनी रहती है हमारी मिट्टी में, और जड़ों में डायरेक्ट धूप नहीं लगती है। इसलिए आप कोई भी ऐसे प्लांट लगा लीजिए जो कि हमारे गमले को अच्छे से भर दें। और नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, हमें इसकी सनलाइट आप दे दीजिए। अगर सुबह सुबह की 2-3 से 4 घंटे की सनलाइट मिल जाए इसको तो काफ़ी है सफिशियंट है इसके लिए। और बाकी टाइम इसको दोपहर की जो तेज़ धूप रहती है उससे बचा लीजिए, तो इसकी पत्तियाँ भी हरी रहेंगी और फूल भी अच्छे आएंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताती हूँ आपको, बस मैं यही करती हूँ। और मुझे इसको थोड़ा शेड में रखना है दोस्तों, मुझे शेड भी लगवाना है, छत पे बहुत तेज़ धूप हो रही है और मेरे सारे प्लांट अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी को शेड लगवाने का, मेरे हस्बैंड को। तो जल्दी ही मैं अपने छत पे अपने प्लांट्स को कवर करने वाली हूँ और शेड लगाना है मुझे। तो दोस्तों, हमारे प्लांट्स थोड़ा छाया में रखेंगे तो अच्छे से रहेंगे हैप्पी। अभी बहुत दुखी हैं वो क्योंकि उनको बहुत तेज़ सनलाइट मिल रही है, पूरा दिन धूप में पड़े रहते हैं बेचारे। और इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत लगता है। तो आप बस थोड़ा सा खाद पानी का ध्यान रखिए और अपने प्लांट्स को ऐसे ही ब्लूमिंग करते रहेंगे। और हमारे प्लांट्स, तो हमारे जो हम प्लांट्स लवर रहते हैं तो अपने प्लांट से बातें करिए करिए, और बस हमारे प्लांट्स को कोई गाना सुना दीजिए, गुनगुना दीजिए, तो उससे ही खुश रहेंगे। और हमारे प्लांट्स तो हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं क्योंकि हम उनसे रोज़ मिलने आते हैं सुबह सुबह, तो हमारे प्लांट्स वैसे ही खुश रहते हैं। हर गार्डनर के प्लांट्स खुश रहते हैं दोस्तों क्योंकि हमें उनसे लगाव होता है, प्यार होता है। तो अब हमने प्लांट्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं दोस्तों। तो ये सूखी पत्तियाँ वगैरह हटा दीजिए और बस पानी का ख्याल रखिए, इससे आपकी ये मधुकामनी का प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा। और बारिश में दोस्तों ये बहुत अच्छा हो जाता है, बट अभी गर्मी है और गर्मियों में भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो बस यही सब है दोस्तों हमारे प्लांट्स के साथ। हमें खाद पानी का थोड़ा सा ख्याल रखना है, पानी का ख्याल रखना है, खाद ना भी दें तो चलेगा, बस पानी दे दीजिए इसको, उसी में ये खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट का, तब तक ले बाय। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइए कमेंट में। और देखिए मधुकामनी का प्लांट बहुत ही प्यारा लग रहा है, बस ऐसे लग रहा है कि देखते ही रहें इसको। तो दोस्तों बाय, क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी लग रही है, जाना है नीचे। तो बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग, कितना प्यारा सा प्लांट है। बाय दोस्तों।